स्वागत है, बंधन है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का और स्टूडेंटों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की लेटेस्ट वीडियो में हम संकरण की धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट करेंगे। मेरे भाई, कोई भी संकरण हो, किसी भी प्रकार का संकरण हो, मात्र आप 2 सेकंड में और 2 सेकंड से कम ही बिना पेन कॉपी के आप उसका संकरण निकाल सकते हो मेरे भाई, कोई सा भी यौगिक हो, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक की ये धमाकेदार वीडियो है दोस्तों, है ना। हम किसी का भी संकरण निकालेंगे, तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मेरे भाई, ये जो संकरण की शॉर्ट ट्रिक है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की हेल्प से निकाली जाएगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको पता है तो आप तुरंत से इसको निकाल लेंगे, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की हेल्प से आप ये निकालोगे। मेरे भाई, आपको इतना तो पता है, कोई भी परमाणु का जो अंतिम कोष होता है वो संयोजकता कोष होता है, है ना। जैसे मान के चलो यहां पर ये हमारा सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां से टोटल 8 और 2 10 और 1 11। मेरे भाई, यहां पर हम देख रहे हैं कि सोडियम का अंतिम कोष ये आपका तीसरा कोष है, है ना। तीसरा मतलब आपका ये थर्ड कोष है, आपका ये अंतिम कोष है, अंतिम सेल है, है ना। तो मेरे भाई, ये आपका कोष संयोजकता कोष कहलाता है। कौन सा कोष? संयोजकता कोष कहलाता है। और मेरे भाई, इस संयोजकता कोष में, अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आपके कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? संयोजी इलेक्ट्रॉन से मेरे भाई हम संकरण निकालेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन को संकरण निकालने की ट्रिक है हमारी दोस्तों। अब यदि ये जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपके जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, अब यदि ये बैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम है तो इन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में हम लगाएंगे मेरे भाई 2 से भाग। किससे भाग लगाएंगे? 2 से भाग लगाएंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट हमारा मेरे भाई ये है, अब यदि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक है तो मेरे भाई हम यहां पर इस संयोजी इलेक्ट्रॉन में लगाएंगे भाग 8 से। यही हमारी ट्रिक है मेरे भाई, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम रहे तो 2 से भाग लगाएंगे, और संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक रहे तो 8 से भाग लगाएंगे। मेरे भाई, अभी समझ लो एक बार, फिर आप निकालोगे बिना पेन कॉपी के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप टॉपिक समझ गए ना मेरे भाई, ठीक है। अब मेरे भाई, आपको इतना बता देता हूं, आपका जो संकरण होता है ये होता कितने टाइप का? मेरे भाई, जो संकरण होता है वो 6 टाइप का होता है। एसपी, है ना, दूसरा एसपी स्क्वायर, तीसरा एसपी क्यूब, तीसरा चौथा हमारा एसपी क्यू डी, है ना, चौथा हमारा एसपी क्यू डी स्क्वायर, और अगला हमारा होता है एसपी क्यू डी क्यू। ये संकरण ना मेरे भाई टोटल आपका 6 प्रकार का होता है। समझ में आपको आ गया ना मेरे भाई, ठीक है। अब आप देख रहे हो मेरे भाई, एसपी जो आपका एसपी संकरण है, इसमें केवल 1s और 1p है, मतलब केवल 2 ही कक्षक हैं। एसपी स्क्वायर में 2p 1s, मतलब यहाँ 3 कक्षक हैं, यहाँ पर 3p 1s, मतलब यहाँ 4 कक्षक हैं, यहाँ पर 3 4 और 1 5 कक्षक हैं, यहाँ पर 1 3p 1s 2d, है ना, मतलब यहाँ 6 हैं, और यहाँ पर ना मेरे भाई 7 कक्षक हैं। बस ये चीज आप समझ गए हो, संकरण की ट्रिक समझ गए हो। अब हम पहुंच जाते हैं मेरे भाई डायरेक्ट संकरण पर, धमाकेदार ट्रिक के साथ, है ना। तो मेरे भाई, यदि आपको निकालना है H2O का संकरण, हमें पता करना है मेरे भाई H2O में कौन सा संकरण है, है ना। हमें पता है मेरे भाई H2O में H का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, मतलब अंतिम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन,
और अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ सॉरी मेरे भाई, यहाँ एच लिखना था, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समझ नहीं, समझ गए ना बहुत अच्छे से, अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, मतलब पहली कक्षा में 2, अंतिम कक्षा में 6, मतलब अंतिम कक्षा में 6, मतलब इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है। हाइड्रोजन के पास एक है, दो है, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 है या 8 से कम है, तो 2 से भाग लगाओ, 2 से भाग लगा दो, 2 चौके 8, 2 चौके 8 कितना आ गया, 4, और 4 आप देख लो कहाँ है, 4 है आपका sp3 में, मतलब मेरे भाई जो आपका H2O है इसमें sp3 संकरण है। समझे ना भाई, मेरे भाई कोई समय लगा मुझे नहीं, आप खुद सीख, मैं सिखा रहा हूं इसलिए समय लगा, बाकी आप सीख जाओगे, देखोगे अणु कौन सा है तुरंत आप निकाल लोगे। ठीक है चलो ओके मेरे भाई, CO2 का बता दो मेरे भाई, CO2 में C का परमाणु क्रमांक होता है 6, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। ऑक्सीजन के हमें पता ही है 6, 2 ऑक्सीजन है तो 6 12, 12 और 4 16, 8 से अधिक है, किससे भाग लगाओ, 8 से, 8 से भाग लगाओ, 8 दूनी 16, 2 आ गया, क्या आ गया 2, 2 किस में दिख रहा है, 2 आपको दिख रहा है एसपी में, मतलब आपका जो CO2 है इसमें एसपी संकरण है मेरे भाई, एसपी संकरण है मेरे भाई। आप बता दो, समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो मेरे भाई, आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे भाई। आपको नेक्स्ट बताता हूं, नेक्स्ट यदि हमसे पूछा कि आपका CH4 लिखा है, CH4 में सर कौन सा संकरण है, बिल्कुल मेरे भाई टेंशन नहीं लेने का, सी सी के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 6 होता है पहली कक्षा में, तो दूसरी में कितने 4, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 4, यहाँ 4 कार्बन की में, सॉरी कार्बन के 4, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो कितने 4, 4 और 4 8, 8 में किससे भाग लगा दो भाई, 2 से भाग लगा दो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, अब 4 आ गया, मतलब आपका sp3, यहाँ पर आपका sp3 संकरण हो गया भाई, प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे भाई, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन मत लो। आपका लिखा है आपका, चलो नेक्स्ट आपको लिखता हूं PCl5, PCl5 लिखा है, PCl5 में मेरे भाई P जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 15 है, कितना है 15, तो पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 5, मतलब P के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 5 है ना, तो ये हो गए 5 है ना। अब Cl, Cl का परमाणु क्रमांक मेरे भाई 17 है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, मतलब 7 है, अंतिम कक्षा में 7 हैं, कितने हैं ये 5 हैं, तो 7 5 35, तो ये आपका 35 हो गया, 35 और 5 40, तो ये 40 बड़ा है 8 से, 8 से भाग लगा दो है ना, 8 5 40 आ गया, 5 5 आ गया, मतलब 5 आपको दिख रहा है यहाँ, मतलब PCl5 में sp3 d संकरण है। तो इस टाइप से ना मेरे भाई संकरण बहुत जबरदस्त तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हो, संकरण कोई भी हो, और भी आपको सिखाता हूं मेरे भाई। अब ना मेरे भाई एक और धमाकेदार ट्रिक बता रहा हूं मेरे भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन आप ग्रुप देख के निकालना, पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप का तत्व है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, एक दूसरे वर्ग मतलब दूसरे ग्रुप का तत्व है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, 13वें ग्रुप का तत्व है, मतलब 10 हटा दो कितने बचे 3, 3, 14वें ग्रुप का है 10 हटा दो कितने बचे 4, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, 15वें ग्रुप का है 10 हटा दो मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 16वें ग्रुप का है 10 हटा दो मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, 17वें ग्रुप का है 10 हटा दो मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, 18वें ग्रुप का है 10 हटा दो मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। समझ गए ना, मेरा कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा बिल्कुल कहीं से कहीं तक। ओके चलो, जैसे मेरे भाई मुझे पता करना है NH3 में संकरण कौन सा है, NH3 में तो मुझे पता है मेरे भाई N का परमाणु क्रमांक होता है 7, पहले में 2, दूसरे में 5, दूसरे में 5, क्योंकि मेरे भाई इलेक्ट्रॉन 2 8 8 18 18 32 ऐसे भराते हैं,
ठीक है, तो पांच, पहले में दो, दूसरे में पांच, तो इसके पांच हाइड्रोजन के एक, तो तीन है, तो तीन पांच तीन आठ, आठ में दो से भाग लगा दो, दो चौके आठ, चार में कौन सा sp3, देख लो आप, देख लो आप, समझ गए ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बढ़ो मेरे भाई, अगर लिखा है ये एनो, क्या लिखा है एनो, एनो में संकरण कौन सा है, तो इसके पास पांच, इसके पास छह, मतलब ये कितना हो गया 11। अब भाई 11 आ गया, आठ से अधिक है, आठ से अधिक, तो किससे भाग लगाओगे, आठ से। मेरे भाई यहाँ आठ ना भाग ना बराबर नहीं जा रहा, अगर भाग बराबर ना जाए ना भाई, तो आपको करना क्या है, आपको करना मेरे भाई ये है कि ये आपका 11 है, ऐसे भाग लगाओ, है ना, आठ एकम आठ कितने बचे, आठ एकम आठ बचे तीन, तीन बचे, अब तीन मतलब आठ थे, आठ से कम इलेक्ट्रॉन है, अब आठ से कम इलेक्ट्रॉन, आठ से कम इलेक्ट्रॉन, तो दो से भाग लगाओ, अब आप दो से भाग लगा दो, दो एकम दो, है ना, आपको ये भाग जब तक लगाना है मेरे भाइयों, जब तक कि आपका यहाँ एक ना आ जाए या जीरो ना आ जाए, एक आ गया भाग खत्म, अब आपको जोड़ना किसको है, एक इसको, एक इसको और एक इसको, मतलब इसके शेष फल वाले को जोड़ना है, शेष फल या भागफल जो रहेगा अंत में उसको जोड़ना है, तो एक दो तीन, तीन आया, तीन में कौन सा है sp2, मतलब इसका s में, इसमें sp2 संकरण है, और चेक कराता हूँ मेरे भाई NO2 इसमें संकरण कौन सा है पता करना है, एन की कितने पांच, इसके कितने, एक का छह दो के 12, तो 12 पांच कितने हो गए 17, 17 आठ से बड़ा है, मतलब 17 में आपको भाग लगाना है, 17 में भाग लगाना है आठ से, तो आठ दूनी 16, आठ दूनी 16 एक बचा, एक बचा ना, अब एक या जीरो लाना होता है, तो आप दो को और एक को जोड़ दो, दो और एक तीन, तीन में sp2, मतलब NO2 में भी आपका sp2 संकरण है, समझे ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, आपको ना बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, चलो और बढ़ा देता हूँ, यहाँ शॉर्ट ट्रिक वगैरह इनको हटा देता हूँ और चीजों को आपको सिखाता हूँ, है ना। चलो मेरे भाई, अगर लिखा है XeF2, XeF2 हमें पता है Xe 18वें वर्ग का तत्व है, तो 10 हटा दो कितने बचे 8, तो इसके 8, ये 17वें का है, आप कैसे भी निकाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं, 17वें का है, 10 हटा दो कितने बचे 7, दो हैं, तो 7 7 14, 14 8 कितना हो गया, 14 8 हो गया 22, 22 में किससे भाग लगाओ, 8 से लगाओ, क्योंकि 8 से बड़ा है ना, तो 22 में मेरे भाई 8 से भाग लगाएंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना बचा मेरे भाई 6 बचा, अब 6 8 से छोटा हो गया, 8 से छोटा हो गया ना, अब 8 से छोटे इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, तो 2 से भाग लगाएंगे, है ना, तो 2 3 6, है ना, 2 3 6 0, अब यहाँ 0 आ गया, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 में sp3d, sp3d, अब आप होमवर्क में XeF4 का निकालो, XeF6 का निकालो, बिल्कुल जस्ट ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक हमारा टॉपिक और रहेगा, तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है, एक हमारा और टॉपिक बचा है, उसको और कवर कर लेते हैं, जैसे मेरे भाई अगर लिखा है NH4+, NH4+, अब क्या मेरे भाई, आप एक चीज सीख लो, है ना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब दान करते हैं तो प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करते हैं तो माइनस आता है, इतना तो आपको पता है, अब NH4 पे प्लस लगा है मतलब इसका ये है, एक प्लस लगा है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया, एक इलेक्ट्रॉन दान किया, समझ गए ना, चलो पहले तो आपकी वही प्रोसेस, पहले आपकी वही प्रोसेस, इस N के पास 5, H के पास कितने 4, है ना, एक H, एक के H के पास एक, 4 के 4, तो ये हो गया 5 4 9 मेरे भाई, लेकिन इस पे एक प्लस लगा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दान किया, एक इलेक्ट्रॉन दान किया मतलब 9 में से एक घटा दो कितने बचे 8, अब 8 या 8 से कम तो 2 से भाग, तो ये 2 से 2 चौके 8, 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, मतलब sp3, sp3, समझ गए, जैसे मेरे भाई SO42 माइनस लगा है, अब माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो पहला आपका काम क्या है, एस, एस का परमाणु क्रमांक 16 होता है, पहले में 2 दूसरे में 8 फिर 6, मतलब इसके पास कितने हैं 6, ऑक्सीजन के पास हमें पता है 6 होते ही हैं, तो लेकिन 4 ऑक्सीजन है, तो 6 चौके 24, 24 और 6 कितने हो गए 30, 30, लेकिन इस पे 2 माइनस लगा है मतलब क्या है, मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए,
प्लस का मतलब दान करना तो माइनस कर दिया था, एक इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब दान करना, मतलब इसने दान कर दिया था, एक माइनस कर दिया था। अब माइनस का मतलब ग्रहण करना, मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो इसमें दो जोड़ दो तो कितने हो गए 32। अब 32 8 से अधिक है, किससे भाग लगा दो, 8 से, 8 चौके 32, 4 आ गया, मतलब sp3। समझे ना मेरे भाई। एक और मैं आपको बता दे रहा हूं और फिर वीडियो को खत्म करता हूं। CO3, सी के पास 4, सी के पास कितने 4, ओ के पास 6, 18, है ना, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 18 और 4 कितने हो गए 22, 22 हो गए ना। अब दो इलेक्ट्रॉन, दो माइनस लगा, मतलब इसने ग्रहण कर लिए, तो दो आप जोड़ दो कितने हो गए 24, है ना, 8 दिया 24, 3 आ गया, 3 में क्या है sp2। तो मेरे भाई आज के बाद ना संकरण आप कोई सा भी हो चुटकियों में आप निकाल लोगे, जहां ना बने मुझे कमेंट करके बता देना कि सर मुझसे नहीं बन रहा, मैं आपको फिर से कोई ना कोई सॉल्यूशन दूंगा, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना। तो मेरे भाई देर से आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और दुनिया में हर जगह आप इस वीडियो को फैला दो।